हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ESI यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो आपके परिवहन विभाग में वैकेंसी आया हुआ है। और इसमें हमारे बहुत सारे सेट्स हो चुके हैं, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सारे सेट्स लगाने हैं। अगर आपको टाइम बीत जाता है और आप भूल जाते हो तो फिर से एक बार लगाओ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप सेट्स लगाते रहते हो तो आपका क्वेश्चंस रिवाइज होते रहेगा, ठीक है। इसी सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं एक और सेट। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दो यार, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बुला लो जल्दी से, ताकि हम लोग सब मिल के सेट शुरू कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस होती है? तो इसमें भरी जाती है नाइट्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलसी की खल यानी लिंसीड केक निम्नलिखित काम में आती है? अगर कोई गांव से हो तो आप सभी को पता होगा, ये जो अलसी का खल है इसको हम लोग लिंसीड केक बोलते हैं इंग्लिश में, किस काम में आता है? किस काम में आता है? ये पशुओं को खिलाने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन है, रंग बंधक या मॉर्डेंट वह पदार्थ है जो, आपको रंग बंधक याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है मॉर्डेंट। मॉर्डेंट क्या होता है? अब अगर रंग बंधक आपने देख ही लिया है तो इसका थोड़ा सा आप संधि विच्छेद करके देखो, आपको पता चल जाएगा, रंग को बांधने वाला रंग बंधक, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला हिंदी आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि हिंदी एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा, आपको मॉर्डेंट मिल सकता है, ठीक है। जिसका काम क्या होता है, कपड़ों पर रंग पक्का करने का काम, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्लॉथ को रंग के साथ जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है? तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, डेस्क कॉपी का मुख्य क्रियाशील घटक होता है, ये होता है कैफीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मटेरियल आपको गैस मास्क में मिल सकता है? इन चारों में से गैस मास्क में आपको कौन सा मटेरियल मिल सकता है, कौन सा मिल सकता है? यह है कास्ट कोयला, ठीक है, वुड चारकोल आपको गैस मास्क में मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को निर्जलीकरण कहा जाता है, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अगला क्वेश्चन है, लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी है? आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं, कोई मारता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। लकड़ियों के जलने से जो मुख्य गैस निकलता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो ग्रीन कलर हमारे जो फ्लैग है उसमें तीन कलर होता है, ठीक है, कौन कौन सा, केसरिया, हरा और उजला। इसमें से ग्रीन कलर यानी हरा कलर क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है विकास और उर्वरता को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी NCL नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम पाया जाता है कैसे चट्टानों में? तो पेट्रोलियम अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित पदार्थ में पाई जाती है? इन सब में से नाइट्रोजन सबसे अधिक किस में पाया जाता है, यह है यूरिया में, ठीक है, यूरिया में ऑलमोस्ट 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है? बिहार का तराई प्रदेश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक? तो भारत नेपाल सीमा के समांतर में जो भी लैंड एरिया बिहार के पड़ते हैं वो सभी बिहार का तराई प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के जंगल हैं, छोटा नागपुर के जंगल में किस तरह के आपको जो फॉरेस्ट है वो देखने को मिलेगा? सदाबहार, पतझड़, सवाना और कांटेदार। तो क्या होगा आपका सही आंसर, आपका सही आंसर होगा बी, केवल दो सही है। यहाँ पे आपको पतझड़ जो डेसिडियस फॉरेस्ट है वो आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, देश में लौह अयस्क प्राप्त होता है, यानी इन चारों जगह में से आपको बताना है कहाँ से आपको लौह अयस्क मिल सकता है। तो कहाँ से आपको लौह अयस्क मिल सकता है, ये आपका सिंहभूम जिला, ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र में आपको लोहा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल चावल, मकई, दलहन और गेहूँ। तो इसमें से आपको कुछ बना के दिया हुआ है यहाँ पे कॉलम, ठीक है, केवल एक सही है, एक और तीन सही है, दो और तीन सही है, दो और चार सही है। इसमें से आपको चुनना है क्या होगा सही आंसर, सही आंसर क्या होगा, दो और तीन, ठीक है, मकई, दलहन, कहीं पे आपको गेहूं भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन मेनली जो उगाया जाता है वो है मकई और दलहन। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, तो कौन कौन से एरिया में बिहार में पटसन आपको मिल सकता है, ठीक है,
उत्तर पश्चिम बिहार, उत्तर पूर्वी बिहार, मध्य दक्षिण बिहार और दामोदर घाटी प्रदेश। तो इसमें से किधर आपको पटसन उद्योग देखने को मिलेगा? आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे एक और दो, केवल दो, दो और तीन, एक और तीन। बताओ किन क्षेत्रों में आपको पटसन देखने को मिल सकता है? तो यहाँ आपको पटसन जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा उत्तर पश्चिम बिहार का मैदान, ठीक है, और मध्य दक्षिण बिहार का मैदान, इन क्षेत्रों में आपको पटसन मिल सकता है। देखो बिहार में जो अभी पटसन का या जूट का जो मेन एरिया है, ठीक है, वो कौन कौन सा होता है, जगह भी आप याद रखो, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपसे जगह भी पूछ लिया जाए, तो आपको जगह भी याद रखना है कौन कौन सा जगह है। जैसे आपका एरिया हो गया इधर पूर्णिया एरिया, ठीक है, पूर्णिया में आपको पटसन मिल सकता है, दरभंगा हो गया और सहरसा हो गया, कटिहार हो गया, ठीक है, ये सारे एरिया में आपको देखने को मिल सकता है जूट इंडस्ट्रीज, सॉरी जूट का उत्पादन। और अगर बिहार में, सॉरी भारत में पूछा जाए बिहार का कितना स्थान है जूट प्रोडक्शन में, तो सेकेंड पोजिशन है, ये भी आपको याद रखना है, फर्स्ट आपका वेस्ट बंगाल का है। अगला क्वेश्चन है, 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 की शुरुआत 12 से 16 जनवरी को कहाँ की गई है? 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत कहाँ की गई है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? यानी बिहार में आपको कृषि योग्य भूमि, एक्चुअली में कृषि योग्य भूमि यानी एग्रीकल्चर होने लायक भूमि तो 60% के आसपास है, लेकिन इसमें से कितना भाग ऐसा है जो सिंचित है, यानी वहाँ पे पानी का सुविधा उपलब्ध है, रेस्ट जहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं है, या तो वो बोरवेल पे डिपेंड करते हैं या फिर कहीं से पानी बारिश पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, सिंचाई का सुविधा वहाँ पे डायरेक्टली उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो कितना परसेंट है जहाँ पे अवेलेबल है? यह 30-40%, ठीक है, लगभग 35% ऑन एन एवरेज ऐसा एरिया है जहाँ पे सिंचाई आसानी से हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो औद्योगिक वित्तीय सहायता करने हेतु बिहार में बिहार राज्य वित्त निगम है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून ये 1908 में पारित हुआ था, ठीक है, और एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, 1908 में तो ये पारित हुआ लेकिन अभी तक इसमें कितना संशोधन हो चुका है? टोटल 26 संशोधन इसमें हो चुका है। मेन मेन जो ईयर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसमें 3-4 मेन ईयर हैं जो आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कब छोटा नागपुर काश्तकारी जो कानून है उसमें संशोधन हुआ है, तो आप 2-3 डेट याद रखो। सबसे पहला 1947 है, ठीक है, 1969 है, 69, उसके बाद एक 96 में हुआ है, तो ये 2-3 डेट हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए, इसको आप दिमाग में रखना, ठीक है, और टोटल कितना बार हुआ है संशोधन? 26 बार। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ भारत की पहली साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट, जिसको नाम क्या दिया गया है, नाम दिया गया है AASHVAST, ठीक है, आसवास्ट इसको नाम दिया गया है, इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है अमित शाह के द्वारा? कहाँ किया गया इसका शुभारंभ जल्दी बताओ? तो ये क्या गया था, गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन हुई? कौन हुई? ये हुई संतोष यादव, और ये 2 बार अभी तक हिमालय पे चढ़ चुकी हैं और पहली ऐसी महिला हैं जो एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है, ठीक है। पहली बार ये चढ़ी थी 1992 में और दूसरी बार 1993 में, जो लगातार 2 बार ये चढ़ी है और ऐसा करने वाली पहली महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है, 2019 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया हिंदी उपन्यास कौन सा है? 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस हिंदी उपन्यास को मिला? ये मिला था छिलते हुए अपने को, ठीक है, नंदकिशोर आचार्य इसके राइटर थे और इसको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 हिंदी भाषा के लिए। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय तेज गेंदबाज का नाम बताइए जिसे 2018-19 सत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के लिए BCCI का प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया गया। कौन है वो? वो है जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत के विकास के लिए और पूर्वी भारत में सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदलने के लिए केंद्रीय इस्पात मंत्री द्वारा हाल ही में शुरू किए गए मिशन का नाम बताइए। तो क्या मिशन है? ये मिशन का नाम है पूर्वोदय, ठीक है, और ये पूर्वी भारत के लिए एक मिशन है। अगला क्वेश्चन है, दी मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? कौन है दी मूर्स लास्ट साई के लेखक? इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौगम शिखर सम्मेलन 2020 में आयोजित हुआ था, यानी कहाँ आयोजित हुआ था चौगम 2020, कहाँ आयोजित हुआ था चौगम 2020, यह आयोजित हुआ था रवांडा में, कहाँ आयोजित हुआ था रवांडा में, ठीक है, रवांडा में कहाँ, तो रवांडा के किगाली में यह आयोजित हुआ था। चौगम का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई अगर जानते हो तो जल्दी से कमेंट में बताओ, चौगम का फुल फॉर्म क्या होता है, चौगम का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, क्या होता है जल्दी से बताओ, मैंने अभी बताया कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स मीटिंग, ठीक है, ये होता है। और इसका सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ, रवांडा के किगाली में, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य, इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है स्वर्णिम त्रिकोण का क्या तात्पर्य है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या है। तो देखो स्वर्णिम त्रिकोण से यहाँ पे मतलब है थाईलैंड म्यांमार आदि के जगह एक देश आपका और आता है, यह है लाओस, ठीक है, क्या है लाओस, ठीक है, तो थाईलैंड म्यांमार और लाओस इन तीनों देशों को मिश्रित रूप से स्वर्णिम त्रिकोण कहा जाता है। और यहाँ पे जो ओपियम है यानी आपका जो नशीला पदार्थ है ओपियम, ठीक है, उसका ये उत्पादन करने वाला क्षेत्र बहुत अधिक स्मगलिंग भी होता है, इसलिए इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर स्वर्णिम त्रिकोण कहते हैं, ठीक है, गोल्डन ट्राइंगल। अच्छा एक और वर्ड आता है इसी तरह से सिमिलर इसी काम के लिए, यह है गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है, क्या है गोल्डन क्रिसेंट, अगर गोल्डन क्रिसेंट आपसे बोला जाए तो वहाँ पे आपका हो जाएगा अफगानिस्तान ईरान और पाकिस्तान, यहाँ पे भी ओपियम का बहुत अधिक मात्रा में तस्करी होता है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है गोल्डन क्रिसेंट। और गोल्डन ट्रायंगल अगर पूछा जाए तो थाईलैंड म्यांमार और लाओस ये तीन देश आता है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी का यूरोपीय राष्ट्रीय कप 2019 जीतने वाला देश कौन सा था, तो हॉकी यूरोपीय राष्ट्रीय कप 2019 जीता गया था बेल्जियम के द्वारा, किसके द्वारा, बेल्जियम के द्वारा ये जीता गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन है, झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स, ये ग्रेव जो यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है ग्रेव्स, ग्रेव्स होता है ना कब्र, ठीक है, वही है, झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन है, कौन है जल्दी बताओ, कौन है इसके लेखक, तो इसके लेखक है विक्टर दास, कौन है विक्टर दास। अगला क्वेश्चन है, एपेक का पूर्ण रूप क्या है, एपेक का पूर्ण रूप क्या है, एपेक का पूर्ण रूप है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, क्या है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है, ये है एपेक का फुल फॉर्म। और एपेक का गठन कब हुआ था 1989 में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्वींसटाउन सिंगापुर, कहाँ है क्वींसटाउन सिंगापुर में, ठीक है। और अभी इसमें फिलहाल टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो 121 मेंबर्स इसमें टोटल हैं, ठीक है। अच्छा इसको आप कंफ्यूज मत करना, एपेक को बहुत सारे बच्चे ओपेक से कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, ओपेक नहीं है ये है एपेक। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता साप्टा का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ, यहाँ पे भी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, यह है साप्टा SAPTA, ठीक है, और दूसरा एक और है SAFTA साप्टा, ठीक है, तो दोनों का फुल फॉर्म भी अलग होता है और डेट भी दोनों का अलग है, इसलिए आप इसको कन्फ्यूज मत करना इसे, साउथ एशियन प्रिफ्रेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, ठीक है, ये होता है साप्टा, इसका जो औपचारिक उद्घाटन है वो कब किया गया था जल्दी बताओ, कब किया गया था, ये किया गया था 1995 में, 7 दिसंबर 1995 को साप्टा का उद्घाटन किया गया था, लेकिन यहीं पे अगर साप्टा देता तो वो 2004 में बना था साप्टा, ठीक है। और साप्टा का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ये होता है साप्टा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में प्रवेश पाने वाला नवीनतम सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नाम, ठीक है, नाम, नाम का फुल फॉर्म क्या आता है, नाम आपने टर्म सुना होगा, ठीक है, और इसमें इसके फॉर्मेशन में हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू, उनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इसमें सम्मिलित होने वाले अंतिम सदस्य कौन है, यह है अजरबैजान, दो देश है अजरबैजान और फिजी, कौन सा एक देश है फिजी, ठीक है, ये दोनों 2011 में शामिल हुआ है नाम में, ठीक है। और नाम का फुल फॉर्म है नॉन अलाइड मूवमेंट, ठीक है, नॉन अलाइड मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। और अल्जीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अल्जीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, कौन है अल्जीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति, ये हैं अब्देल मजीद तैबोने,
अब्देल मजीद तैबोने, ये हैं अल्जीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में तेल अवयव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक अवायवीय श्वसन करने वाले जीव हेनेगुआ साल्मिनेकोला की खोज की है। हेनेगुआ साल्मिनेकोला ये एक जीव है, इसका नाम आपको याद रखना है। अब इसका खासियत क्या है, ये बिना ऑक्सीजन का सांस ले सकता है, बिना ऑक्सीजन का ये जिंदा रह सकता है। ठीक है, आपको बताना है किस देश के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है, तो यह है इजराइल के वैज्ञानिकों ने। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों में प्रबंधन द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कॉलेज एवं स्कूल परिसर में सभी प्रकार के राजनीतिक आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया, तो वह कौन सा राज्य है, वह है केरल राज्य का उच्च न्यायालय। ठीक है, केरल हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने करोड़ रुपए की कुल लागत वाले राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना की है, तो आपको बताना है कि इसका टोटल लागत कितना है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का, तो यह है 1480 करोड़ रुपए का। कितना है, 1480 करोड़ रुपए का मिशन। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति यू विन मिंट के साथ सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, ये अभी पिछले महीना का बात है, पिछले महीने में ये सारी चीज़ें हुई है। आपको बताना है किस देश के राष्ट्रपति हैं यू विन मिंट, किस देश के राष्ट्रपति हैं, ये है म्यांमार के, और इनके साथ 10 समझौते हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का घोषणा किया है। एक बार फिर से नाम चेंज किया गया है, जल्दी बताओ क्या नाम है, आपने करंट अफेयर्स में ये पढ़ा होगा, क्या नाम रखा गया है, ये नाम रखा गया है ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। क्या रखा गया है, यहाँ पे जो उर्दू अरबी फारसी था इसको हटाकर भाषा कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के स्मार्टफोन द्वारा विश्व में पहली बार इसरो का बनाया गया नेविगेशन सिस्टम नेव आईसी इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की है, यानी किस कंपनी के द्वारा नेव आईसी जो नेविगेशन सिस्टम है इसरो ने इसको बनाया है और इसको पहली बार किस स्मार्टफोन में इस्तेमाल किया जाएगा, तो यह रियलमी के स्मार्टफोन में। अगला क्वेश्चन है, ONGC और HPL ने किस कंपनी में 34.56% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है, कौन सा कंपनी है वो कंपनी है पेट्रोनेट MHB, कौन कौन खरीद रहा है, ONGC और HPL। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पाकिस्तान को टिड्डी दल हमले से बचाने के लिए बत्तख दल भेजने का घोषणा किया था, ठीक है, की है नहीं भेजा था, किसने भेजा था ये आपको बताना है, बत्तख दल भेजा गया था चीन के द्वारा पाकिस्तान में टिड्डी हमले से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाए जाने की घोषणा की गई है, किसे दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया है, कौन है ये है SN श्रीवास्तव, इनको दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, तो इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किस देश के साथ भारत करता है, जल्दी बताओ कौन सा देश है, वो देश है इंग्लैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, फ्रांस में भारत का राजदूत अभी कौन नियुक्त हुआ है, कौन है ये है जावेद अशरफ। अगला क्वेश्चन है, जानेज जनसा निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए, जानेज जनसा जल्दी बताओ कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये हैं स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा द्वारा NRC के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया तथा वर्ष 2010 के आधार पर NPR बनाने का निर्णय लिया गया है, तो किस राज्य में ऐसा फैसला लिया गया है, ये बिहार राज्य, बिहार में ये फैसला लिया गया है, ये लोग NRC को फॉलो नहीं करेंगे, इसके विरोध में उन्होंने प्रस्ताव पारित किया और NPR जो होगा वो 2010 के आधार पर होगा। अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे अमीर शख्स है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 इसके अनुसार कौन है, जेफ बेजोस हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति।
अगला क्वेश्चन है, पांच बार की किस ग्रैंड स्लैम विजेता ने 32 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये टोटल पांच बार जीत चुकी हैं और इनका उम्र है 32 वर्ष। कौन है वो? वह है मारिया शरापोवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि धातु के साथ ऐसा क्या होता है ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको देखने को मिले। अगर उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिराया जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक तरंग आपको, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? किस प्रकार की हैं? यह विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी आधारित एटीएम कैश निकासी की शुरुआत करने जा रहा है? कौन सा बैंक है वो? वो बैंक है आपका भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा की वेधन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम, तो सबसे अधिक किसका है? सबसे पहले आपका वो आ जाएगा, फिर उसके बाद उसके बाद। ठीक है, तो किस फॉर्म में ये अरेंज होते हैं? सबसे अधिक वेधन क्षमता होता है गामा का, तो गामा बीटा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री ने आम नागरिकों और वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करने वाले एक नई पहचान देने के लिए एक नए लोगो डैश भी लॉन्च किया है। यानी किस चीज को लॉन्च किया गया है जो सुरक्षा से संबंधित है? एक लोगो है वो, आपको ये बताना है कौन सा है वो, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर आपका होगा गरुड़। ठीक है, लोगो है गरुड़। अगला क्वेश्चन है, डेल्टोनिज्म प्रोटेनोपिया, ठीक है, प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हरा, लाल, नीला या उक्त सभी रंग। तो इसमें देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं जैसे उक्त सभी रंग होना चाहिए, यानी लाल, हरा, नीला सभी रंग होना चाहिए, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ आपको देता वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा रंग जिसको भी हुआ है पेशेंट वो नहीं देख सकता है, तो वो होता या तो हरा या लाल या नीला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया है प्रोटेनोपिया। प्रोटेनोपिया जिस भी शख्स को हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ लाल कलर नहीं देख सकता है। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे सेंस में भी ले सकते हैं कि जनरली जो विजन का, जो आप जानते हो हम लोग के आँख में क्या होता है, रॉड्स होता है। ठीक है, रॉड्स और कॉन्स होता है। ठीक है, तो रॉड्स और कॉन्स का अगर हम लोग बात करें तो कॉन का जो फंक्शन है वो है कलर विजन देना हमें, और रॉड का जो फंक्शन है वह जब आप अंधेरे में रहते हो तो ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन में आपको कुछ दिखता है। ठीक है, जब आप अंधेरे में रहो कुछ देर तक रहो तो आपको आभास होने लगता है कि यहाँ पे ये बिल्डिंग इतना ऊंचा होगा, कलर आपको नहीं पता चलता है, ब्लैक एंड वाइट के फॉर्म में आपको दिखने लगता है। तो ये काम है रॉड्स का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब है जो कॉन्स है, उसमें तीन कलर को पहचानने की शक्ति होती है, और वही तीन कलर आपका प्राइमरी कलर है, हरा, नीला और लाल। क्लियर है, लेकिन जिसको भी ड्राइक्रोमेटिक कलर विजन है, ठीक है, यानी जिसका दोरंगा, इसको दुरंगा कलर दृष्टि भी बोल सकते हैं, दुरंगा रंग दृष्टि या डाइक्रोमेटिक कलर विजन इसको बोलते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ दो ही रंग की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, इनके पास दो ही रंग को पहचान करने वाला कौन होता है, उसमें से या तो हरा नहीं पहचान पाएंगे या लाल नहीं या नीला नहीं। तो इसमें सब बीमारी का अलग अलग नाम है। अगर प्रोटेनोपिया अगर हुआ है तो वो लाल रंग नहीं पहचान पाएगा, अगर ड्यूनेट्रोपिया हुआ है, सॉरी ड्यूट्रेनोपिया हुआ है, तो ड्यूट्रेनोपिया में वो लोग कौन सा कलर नहीं देख पाएंगे, हरा कलर नहीं देख पाएंगे। और अगर ट्राइटेनोपिया अगर हुआ है, नाम याद रखना क्या क्या मैंने बोला, पहला मैंने बोला प्रोटेनोपिया, प्रोटेनोपिया में लाल रंग नहीं देख पाएगा, और ड्यूट्रेनोपिया नोट डाउन कर लो अगर आपको करना है, तो इसमें हरा कलर नहीं देख सकता है, और ट्राइटेनोपिया इसमें नीला रंग नहीं देख सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? संकर कंप्यूटर मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर में आपको किसका मिक्सर मिलता है? आसान सा कंप्यूटर से क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो। हाइब्रिड कंप्यूटर में मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर,
ठीक है, ये इस दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करके बनाया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्राइटियम किसका समस्थानिक है यानी आइसोटोप है, तो ट्राइटियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, जल्दी बताओ किसको नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया है सुरेश चंद्र शर्मा को। अगला क्वेश्चन है साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा है, कौन सा है, यह है आपका ग्लिसरॉल, कौन सा अल्कोहल है, ग्लिसरॉल। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है, अच्छा क्वेश्चन है, तुल्यांकी भार हो गया इक्विवेलेंट वेट और उसका संयोजकता यानी वैलेंस, ठीक है, तो जब इक्विवेलेंट वेट को वैलेंस के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, जल्दी बताओ, तो आपको मिलता है एटॉमिक वेट या अणुभार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा रिपोर्ट में दशक की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया गया है, तो दशक की सबसे प्रसिद्ध किशोरी मलाला यूसुफजई को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है जब कोई कंप्यूटर कोई कर्मादेश लागू करता है तो वह कर्मादेश कहां पर अटक जाता है, आसान सा क्वेश्चन है, कहां अटक जाता है, ये रैम में अटक जाता है, रैम बफर फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं, श्रीलंका में भारतीय राजदूत अभी कौन है, तो कौन है श्रीलंका में भारतीय राजदूत, श्रीलंका में भारतीय राजदूत है गोपाल बागले। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों का केंद्रीय मंत्री कौन है, अल्पसंख्यक मामलों का केंद्रीय मंत्री यानी माइनॉरिटीज मिनिस्टर भी कौन है, यह है मुख्तार अब्बास नकवी। अगला क्वेश्चन है कोलकाता पुलिस द्वारा हाल ही में शुरू की गई परियोजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य शहर के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना है, और ये स्टार्ट किया गया कोलकाता पुलिस के द्वारा, कौन सा वो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है सुकन्या प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है, जल्दी बताओ भारत में कौन सा स्थल नहीं है, और अभी पिछले साल ये चर्चे में भी बहुत रहा था, ये है नानकाना साहिब, ठीक है, ये सिखों का धार्मिक स्थल है और ये कहाँ स्थित है, ये पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है, इन सब संगठनों को पढ़ो और बताओ जिनेवा में किसका मुख्यालय नहीं है, सबसे पहला है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, तो आपका सही जो आंसर है वह हो जाएगा FAO ही, ठीक है, क्योंकि FAO का मुख्यालय जिनेवा नहीं है, इसका रोम है, कहाँ है, रोम इटली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है, इन चारों में से ग्रासलैंड किस में शामिल किया जाता है, तो ग्रासलैंड एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ यूरो को इन चारों में से आपको बताना है किसने नहीं अपनाया है, यह है स्वीडन, ठीक है, स्वीडन की अपनी मुद्रा है, इसका नाम है क्रोना, क्या नाम है, क्रोना, ठीक है, स्वीडन की मुद्रा का नाम है कोरोना और ये यूरो को नहीं मानता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार किसको माना जाता है, किसको माना जाता है, ये माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है। हिंदी के साहित्य का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको चार चरणों में विभाजित किया गया है, ठीक है, पहला है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसको पुनर्जागरण युग भी कहा जाता है और यह है आपका 1868 से लेकर 93 तक, उसके बाद द्विवेदी युग कहा जाता है 93 से लेकर 1918 तक, उसके बाद छायावाद युग कहा जाता है जो 1918 से लेकर 37 ईस्वी तक रहा, और इसके बाद आपका आता है समकालीन युग, ठीक है, ये 1937 से लेकर अब तक का युग है, तो ये चार युगों में बांटा गया हिंदी साहित्य को। अगला क्वेश्चन है 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी, 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखो इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है, व्यायाम ट्रैक, बेसबॉल कोर्ट, गोल्फ कोर्स और कुश्ती अखाड़ा, इसमें से गलत क्या है? इसमें गलत है बेसबॉल। बेसबॉल की खेलने की जगह को कोर्ट नहीं कहा जाता है। किसी को पता है क्या कहा जाता है? अगर पता है तो जल्दी बताओ, बेसबॉल की खेलने की जगह को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है डायमंड। क्या कहा जाता है? डायमंड, ठीक है, कोर्ट नहीं कहा जाता है। कोर्ट या तो बैडमिंटन या टेनिस, इस तरह के खेलों के मैदान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म या टीवी अभिनेता था? तो वो कौन है? वो है रोनाल्ड रीगन, ठीक है। रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति बनने से पहले एक अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न संग्रहालयों में से किसका स्थान गलत ढंग से अंकित किया हुआ है? देखना है कहां पे किसका संग्रहालय नहीं है, आपको वो देखना है। रिस्ट सभी सही होंगे। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली सही है। वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय मुंबई, ये गलत है। कैलिको संग्रहालय कहां है, कोई बता सकते हो कैलिको संग्रहालय कहां है? तो वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय गुजरात के अहमदाबाद में, कहां है? ये गुजरात के अहमदाबाद में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला है सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद, ये भी सही है। और नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम में, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों ने किस तटस्थ शब्द को वर्ड ऑफ डिकेन चुना है? वर्ड ऑफ डिकेन किसको चुना गया है, जल्दी बताओ, किस वर्ड को चुना गया है वर्ड ऑफ डिकेन? ये चुना गया है दे को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व किस दिन विश्व स्तर पर हिंदी दिवस मनाता है? तो यह है 10 जनवरी, जिस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के घटक की अवसर लागत होती है, किसी भी उत्पादन के घटक की अवसर लागत क्या होती है? क्या होती है? ये वो होती है जो वह किसी अन्य उपयोग से अर्जित कर सकता था। ये बहुतों को समझ में नहीं आया होगा, इसको समझ लो, याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवसर लागत क्या होता है? अगर मान लो आपने 2000 रुपये से कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कितना? 2000 रुपये, ठीक है। तो 2000, अब बहुतों को हंसी आ रही है कि 2000 में कौन सा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? हो जाएगा, मोदी जी ने बोला है पकौड़े का ठेला लगाओ, कितना खर्च होगा? ठेले ठेला नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, पास में कहीं बैठ जाओ चटाई लेके, एक चूल्हा खरीद लो या अपने रूम पे जो चूल्हा यूज़ करते हो ले जाओ, और सब चीज़ तो है ही तुम्हारे पास, पकौड़े बेचो, तो 2000 में हो जाएगा, रॉ मटेरियल्स बस खरीदना है। तो 2000 आपने इन्वेस्ट किया किसी चीज़ में, अगर ये 2000, ठीक है, यही 2000 कहीं और आप इन्वेस्ट करते तो जो आपको इनकम होता, इसको हम लोग अवसर लागत बोलते हैं, ठीक है। 2000 में आप पकौड़े बनाओगे और वही 2000 कोई शेयर मार्केट में लगाता है, ठीक है, तो शेयर मार्केट में लगाएगा उसको कई गुना धन प्राप्त हो सकता है या नुकसान भी हो सकता है। तो कहीं और से जो धन अर्जित कर सकते थे इसके बदले में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवसर लागत। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्पादन की वह मांग जो वह अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? किसी उत्पादन की वह मांग जो वह अपने लिए चाहती है उसको हम लोग प्रत्यक्ष या स्वायत्त मांग कहते हैं, ठीक है। किसी और के कारण ये मांग उत्पन्न नहीं होता है, ये खुद व खुद उसके लिए ही मांग होता है। ऐसे जैसे आपने ब्रश खरीदा तो ब्रश के साथ कोलगेट आएगा, जरूरी है वो, ठीक है, तो कोलगेट का मांग वो अपने आप उसका मांग नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ है, किसी उत्पादन की वह मांग जो अपने लिए वह चाहती है इसको हम लोग प्रत्यक्ष मांग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? संसदीय प्रणाली भारत में कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण। तो ये सभी जरूरी है लोकतांत्रिक प्रणाली में। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? ये होता है निर्गत आयात का अंतर, ठीक है, इसको हम लोग अतिरिक्त मांग बोलते हैं, ठीक है, ये अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अतिरिक्त मांग क्या हो गया? जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अंतर है उसी को हम लोग अतिरिक्त मांग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, यानी यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है? कौन सा अनुच्छेद यह क्लियर करता है, कहां आपको यह मिलता है?
कौन सा अनुच्छेद है वो? वो है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि आप नीति तत्व को कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? यह है अंग्रेजी भाषा जो उल्लेखित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? आपको बताना है किसका जोड़ा गलत है। मौर्य पाटलिपुत्र, पांड्य मदुरई, पल्लव वेल्लोर और काकतीय वारंगल, इसमें गलत कौन सा है? गलत है आपका पल्लव वेल्लोर। पल्लवों की राजधानी वेल्लोर नहीं थी, पल्लवों की राजधानी थी कांची या कांचीपुरम। कहाँ थी? कांची या कांचीपुरम। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? तो दोनों वंशों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जो खिलजी के तत्काल पहले भी आया और तत्काल बाद भी आया। कौन सा वंश है वो? दो वंश, वो है गुलाम और तुगलक वंश। खिलजी वंश से पहले गुलाम वंश था और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश शासन में आया। अगर किसी को याद नहीं रहता है तो मेरा ट्रिक है, उसको याद रखो, मैंने पहले बताया हुआ, फिर से मैं बता रहा हूँ। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से हो गया आपका गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, ठीक है, सांस से हो गया सैयद वंश, लो से हो गया लोदी वंश। ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपका सारा वंश आ गया जो दिल्ली सल्तनत में आया। गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है। तो आपसे खिलजी वंश पूछा रहा था तो गुलाम और तुगलक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने हाल ही में 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी जीती है? 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता गया है लद्दाख की महिला टीम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत किस वर्ष तक भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? विक्रांत को कब तक शामिल किया जाएगा? यह है 2021 तक शामिल कर लिया जाना है। किसको? विक्रांत को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी पहले कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, ईयर आपको पता होना चाहिए तभी आप मैच कर पाओगे। फ्रांसीसी क्रांति, ग्लोरियस क्रांति, स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई और रूसी क्रांति। इसमें बताओ सही ऑप्शन क्या होगा, क्या आपका सही तरीका है। अगर ईयर आता है तो आप मार लोगे। सबसे पहले क्या हुआ था? 1688 के आसपास, 1688 में हुआ था ग्लोरियस क्रांति, ठीक है। और इसके बाद आपका क्या हो गया, अमेरिका की स्वतंत्रता 1776 ईस्वी, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 1789 में, ठीक है। और फिर रूसी क्रांति कब हुआ? ये 1917 में हुआ, ठीक है, 1917 में। तो इसमें से देख लो पहले क्या आया। पहले मैंने बोला ग्लोरियस, यानी पहले आएगा दो, तो ये दोनों खत्म हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला, ग्लोरियस क्रांति के बाद मैंने क्या बोला, मैंने बोला था अमेरिका की स्वतंत्रता, अमेरिका की स्वतंत्रता है तीन, तो तीन वाला ये सही होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति और लास्ट में आपका आएगा रूसी क्रांति 1917। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, जल्दी बताओ कौन सा है। तो अब देखो, बहुत सारे बच्चों को लग रहा है इंदिरा कॉल, आपको पता होना चाहिए नॉर्थ में है इंदिरा कॉल, दक्षिण में नहीं है। इसलिए अगर सोच में भी अगर आपका आए तो आप उसको सही करो, ठीक है, कॉपी पे तो बाद में आएगा। तो यह है पिगमिलाइन बिंदु या पिगमिलियन पॉइंट, ठीक है, पिगमिलियन पॉइंट, इसको पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, लाइचिंग पॉइंट भी बोलते हैं, और आप जो जानते हो जो नाम इंदिरा पॉइंट, इसको वो भी बोलते हैं। पहले इसको पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम चेंज करके इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा यानी मिट्टी कौन सी है? कौन सी है? वो है जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण होता है? किसके कारण होता है? बस यही आपको जो बताना है, कौन सा चीज है वो? वो है लोहा यानी आयन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है? भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी है कांगो नदी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज का संस्थापक ये थे आत्माराम पांडुरंग। कौन थे प्रार्थना समाज के संस्थापक? आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पान की लता में जो जड़ होता है वो कैसा जड़ होता है ये आपको बताना है। कैसा जड़ होता है जल्दी बताओ। तो ये जड़ होता है आपका आरोही जड़। ठीक है, आरोही जड़। अच्छा, और हम लोग इसको अच्छे से क्या बोल सकते हैं? आरोही जड़ तो आपका हुआ, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी को पता है तो बताओ, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? आरोही जड़ को। है किसी को पता? तो देखो, ये जो आरोही जड़ है इसको हम लोग आकस्मिक जड़ भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आकस्मिक जड़ या एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, यह किसी जैसे कोई भी पौधा है उसके किसी नोड से ये पैदा होता है। ठीक है, और उसके सारे पौधे आगे बढ़ते हैं और ये बढ़ता रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आरोही जड़ इसको कहा गया है। पौधों को आगे बढ़ने में ये मदद करता है। ठीक है, जैसे पान की लता हो गई, आईवी का लता होता है। ठीक है, इन सभी में इस तरह की जड़ें पाई जाती है। और ये जड़ जो है यह हवाई जड़ होता है। ठीक है, हवा में ये जड़ है, इसको जरूरी नहीं है कि मिट्टी चाहिए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम इसको नहीं है। बहुत सारे पौधे में ऐसे होते हैं, लता में। अगला है, गुणसूत्र किससे बनते हैं? गुणसूत्र किससे बनते हैं जल्दी बताओ, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो गुणसूत्र में आपको पता है डीएनए होता है, और डीएनए के साथ प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जर्सी सांड जो संस्करण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है? जर्सी सांड, जर्सी गाय भी आपने सुना है, जर्सी सांड भी आपने सुना है, तो आपको यह बताना है कहाँ की ये एक उसका ब्रीड है, कहाँ की ब्रीड है? यह इंग्लैंड की ब्रीड है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? लाइकेन का निर्माण कैसे होता है? लाइकेन का निर्माण एक एल्गी और एक फंगस के मिलने से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसलों में इस्तेमाल नहीं की जाती है? जल्दी बताओ, फसल मिश्रित फसल जो है उसमें से इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वह कौन सा है? गेहूं सरसों, गेहूं तथा चिकपी, चावल मूंगफली, मूंगफली तथा सूरजमुखी। तो बहुतों को आंसर मिल गया, यह चावल और मूंगफली, इन दोनों को मिक्स करके नहीं उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों और उनकी राजधानियों के जोड़े बनाकर सही उत्तर का चयन कीजिए। बस लास्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी से जोड़ा बना लो। अर्जेंटीना, कोलंबिया, मिस्र, जिम्बाब्वे। इधर है बोगोटा, हरारे, ब्यूनस आयर्स और कायरे। जल्दी से जोड़ा बनाओ और छुट्टी पाओ। क्या होगा आपका सही आंसर? देखो, अर्जेंटीना का क्या है? ब्यूनस आयर्स। कोलंबिया का क्या है? बोगाटा। और मिस्र का क्या है? मिस्र का है काहिरा। जिम्बाब्वे का क्या है? हरारे। सही आंसर हो गया डी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब तो अब आपके जवान पे रहना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत बार आपने पढ़ा हुआ है, बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, ओके गाइस, तो ये था टॉप 100 क्वेश्चन आज का। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।